नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं BNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। झारखंड के बोकारो में एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई घटना। चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत पत्थरकट्टा पुनर्वास क्षेत्र में अवस्थित हरि मंदिर के पास की है। मंदिर के परिसर में युवक का शव सोमवार के सुबह ग्रामीणों ने देखा, जिसके बाद चास मुफस्सिल थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। शव की पहचान गांव के ही जयदेव पांडे नामक युवक के रूप में की गई है। युवक की हत्या पत्थर से कूच कर की गई है। मृतक बीती रात घर से किसी का फोन आने के बाद निकला था। घर वालों तथा ग्रामीणों के अनुसार रविवार की रात हरि मंदिर के प्रांगण में मृतक जयदेव पांडे के साथ दो लोग भी थे, जो उसके दोस्त थे। वहां आपस में कुछ कहा सुनी होने की बात लोगों ने बताई है। घर वालों ने हत्या की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने बताया कि मृतक के दोनों दोस्त पिंटू गोराई और गोविंद बाउरी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने इस मामले में बताया कि घटना की जांच चल रही है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। बोकारो में एक सप्ताह के अंदर यह दूसरी दिल दहलाने वाली घटना चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में घटी है। इससे पहले दो लोगों की हत्या बिजुलिया स्थित गांव में कर दी गई थी, जिससे पूरा क्षेत्र दहल गया था। अभी वह मामला सुलझा भी नहीं था कि दूसरी इतनी बड़ी घटना घट जाने से पूरे इलाके में सनसनी और खौफ का माहौल पैदा हो गया है। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BNN न्यूज़।